हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आ गई हूँ गांव से घूम करके और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो मैं सोच रही थी आप लोगों से बात कर लूँ। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थक क्या गई हूँ, बुरी तरह से थकी हुई हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिखाई है, उसमें जो भातवात की जो वो है वीडियो, तो वो आप लोग देखना कैसी है, बहुत अच्छी है। और गांव में किस किस तरह से शादी ब्याह होते हैं, सबका अलग अलग हिसाब होता है। तो मैं घूम घाम कर आ गई हूँ, अकेले ही ट्रैवल करके आई हूँ। उधर से भी मैं अकेली आई हूँ, इधर से भी मैं अकेले गई थी। तो देखिए, बच्चे मेरा ये पीसी चला कर छोड़ कर भाग गए हैं, दोनों के दोनों जिम चले गए बच्चे, ये देख रहे हूँ आप, देखिए। तो मैं अब शाम का समय है, तो 2-3 दिन हो गए मुझे सोते सोते, मेरी नींद नहीं छूट रही है, बहुत ज़्यादा नींद लगी है मुझे, क्योंकि वहाँ मैं सो नहीं पाई ठीक से, गर्मी बहुत थी। और माँ की रही तबीयत, तो माँ से मैं बात नहीं करवा पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला और फिर मेरी भी तबीयत थोड़ा ढीली लग रही थी, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। और बहनों से मैंने मिलवा दिया है, सब के सब वहीं पर मिल गए थे, क्योंकि सब लोग गए थे, भाई भाई सारे, बहनें और बच्चे उनके, और भाई सब, उनके बच्चे उच्चे, लड़कियां और क्या, सब आपको मिलवाई मैंने। तो देखना दोस्तों कैसा लगा वहाँ का शादी का। तो अब देखिए, मैं आने के बाद आप लोगों से बात करने का मन हो रहा था मेरा थोड़ा, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इन इनसे भी मिल लीजिए, ये जो बेचारे क्या कर रहे हैं आप सबको पता ही है क्या बोलते हैं। ये देखिए, मैं आपको ठीक से दिखा दे रही हूँ, ये साईं बाबा हैं हमारे, और चलिए एक लाइट और ऑन कर लेती हूँ, लाइट की कमी पड़ रही है दोस्तों। अब देखिए, इतने सारे कपड़े आकर के धुली हूँ, ये देखिए आप लोगों को दिखाऊँ, कितनी सारी एक गठड़ी बंधी है, इनको प्रेस के लिए देना है, प्रेस करवाऊँगी मैं इनसे, तब जाकर रखूँगी, बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था। तो अब मैं चलती हूँ खिचड़ी बनाने, किस किस को खिचड़ी खाना है बता दियो, है ना, खिचड़ी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, अपनी तारीफ मैं खुद कर रही हूँ तो मुझे अपनी खिचड़ी बनाई हुई मुझे अच्छी लगती है, तो आप मेरी खिचड़ी बनी हुई खाकर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो खिचड़ी बनाने चलूँगी मैं, इधर मेरा टीवी भी चल रहा है यार, ये बाबा भी बैठे हैं इधर, ये देखिए फैन भी मेरा चल रहा है। तो मैं सोच रही थी आप लोगों से सब बात शेयर कर लूँ मैं, कितना मज़ा आया मुझे शादी में, बहुत अच्छा लगा। और जो मेरा एक भाई था, गोपाल नाम है उसका, तो मैंने आपको दिखाया भी वो पिछली वीडियो में, तो वो बेचारा ना सुन सकता है ना बोल सकता है, बहुत अच्छा मेरा भाई है, तो आप लोग जरूर उस वीडियो में उसको देखिए, वो तिलक लगवाए हुए हैं और एक लड्डू फेंकते हुए आपको दिखाई देगा, तो आप उसको देखिएगा, जिसका जुबान नहीं होती, कान नहीं होते, वो कितना विकलांग होता है वो समझ सकते हो। तो मुझे बहुत दुख है उस भाई का, और बहुत प्यार करता है हमसे, सारी बहनों को बहुत प्यार करता है हमारा भाई, बहुत अच्छा भाई है हमारा, तो क्या कहूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा
दुखी भी है दुनिया में, पर खैर ठीक है, हंस करके सब दुख मिटा देने चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में दुख कहीं ना कहीं है किसी न किसी एंगल में। अब देखिए, मैंने टमाटर समाटर सब काट कर रख लिया, ये मैंने मिक्सी में कूट कर रख लिया, दूध मेरा खोल गया, दूध ठंडा हो रहा है मेरा, तो मैं अब बनाऊंगी, आ जाओ जैसे जैसा खाने खिचड़ी। देखिए यहाँ से मैं अपना खाना निकाल लूँ, अब मैं बनाऊंगी खिचड़ी। मुझे खिचड़ी यार बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है आप कुछ बताया करो, कुछ बताते भी नहीं हो। हाँ ये देखिए, कब से बेचारा पिंजरे में बंद है, इसकी दया ही नहीं आती किसी को। तो देखिए ये चिड़िया है, दुख लगता है देख के, इसको बंद नहीं रखना था, बनाने वाले ने भी क्या बनाया, उड़ता पंछी अच्छा लगता है आज़ाद, क्योंकि किसी को भी बंधन में रहना पसंद नहीं, हम लोग नहीं रहते हैं उसमें बंधन में, तो इनको क्यों बंधन में बनाया जाता है, रखा जाता है इनके लिए, बंधन बना दिया, देखिए कितना ख़राब लगता है। हाँ घर में लगा है तब तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों मेरी ढेर सारी बातें हो गई हैं आपसे, और हाँ वीडियो ख़त्म करने से पहले आप यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, आप मेरा इतना सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मेरा सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको वीडियो बनाती रहूँगी आपके लिए, और जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं यार, मैं ईद की मुबारकबाद नहीं दे पाई क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर थी और मेरा क्या है इंटरनेट गड़बड़ कर रहा था, नहीं चल पा रहा था, तो जो भाई मुस्लिम भाई हमारी वीडियो को देखते होंगे, बहनें हमारी वीडियो को देखते होंगे, वेरी वेरी सॉरी उनके लिए, तो उनको ईद की मुबारकबाद नहीं मैं दे पाई, तो हमारी उन्हीं बहनों के लिए मैं बार बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ उनसे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं देश में या कहीं भी देख रहे होंगे तो ज़रूर देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है, तो इसके आगे मैं क्या कहूँ, सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, सब खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में एंजॉय कीजिए, दुख सुख है आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो मैं इसी मंत्र के साथ आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग।